कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे मटर बाजार के बारे में, जानेंगे मटर बाजार में एलएमई और एमसीएस में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली मटर बाजार के साथ साथ मुंबई के बाजार के बारे में, जानेंगे किस तरह से कारोबार बेस मटर में चल रहा है, किस तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बाजारों में देखा जा रहा है, जानेंगे आज का कारोबार और आज का ट्रेंड। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मटर बाजार की अगर बात करते हैं तो पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि यूएस में हुई फेड मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की चर्चा चल रही थी, जिसके वजह से बाजारों में नरमी देखी गई, गिरावट देखी गई। और उसके बाद कल के दिन दोबारा से यूएस में फेड मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की चर्चा दोबारा से करी गई है। हालांकि बाजारों में रिसेशन का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, आर्थिक मंदी कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की चर्चा है उसकी वजह से बाजारों में एक पैनिक का माहौल देखा गया और पैनिक के चलते जबरदस्त तरह की गिरावट बेस मेटल में कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, निकल इन सब में बाजारों में देखी गई है। गोल्ड सिल्वर की कीमतों में भी आप गिरावट देखकर चल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की चर्चा का असर गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में भी बेस मेटल के जितना ही पड़ता हुआ नजर आया है। अब सबसे पहले एलएमई और एमसीएस के बारे में अगर बात करते हैं, कॉपर का लेवल एलएमई में गिरकर 7,567 रुपए हो गया, एमसीएस कीमतें 634 रुपए रही। एल्यूमिनियम का रेट एलएमई में 2,258 रुपए देखा गया, 198 रुपए एमसीएस कीमतें रही हैं। लेड का रेट 1,886 रुपए एलएमई में है, 176 रुपए 40 पैसे आप एमसीएस का रेट लेड में देख कर चल सकते हैं। जिंक में बाजारों में गिरावट आने के बाद 3,113 रुपए एमसीएस का रेट रहा, एलएमई का रेट रहा और 282 रुपए एमसीएस कीमतें जिंक में देखी गई हैं। गोल्ड के बारे में अगर बात करते हैं, गिरावट गोल्ड में भी देखी गई है, सोने में 1,702 रुपए 50 पैसे कॉमे सी कीमतें रही हैं, 50,030 रुपए आप एमसीएस का रेट गोल्ड यानी सोने में देखकर चल सकते हैं। सिल्वर के बारे में अगर बात करी जाए, चांदी के बारे में बात करते हैं तो 17.76 रुपए पैसे कॉमे सी कीमतें चांदी में है, 52,803 रुपए आप एमसीएस का रेट चांदी में देखकर चल सकते हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें 85.40 रुपए देखी गई हैं कॉमेक्स में और 6,852 रुपए आप एमसीएस का रेट क्रूड ऑयल में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली मटर बाजार की अगर बात करते हैं तो दिल्ली मटर बाजार में भी गिरावट देखी गई है, बेस मटर में जबरदस्त तरह गिरावट आई है। कॉपर सुपर एचडी का रेट दिल्ली के बाजार में 704 रुपए है, कॉपर केबल स्ट्रे की कीमतें 677 रुपए है, कॉपर आर्मेचर का रेट 666 रुपए है, एल्युमिनियम बर्तन कीमतें 180 रुपए है, एल्युमिनियम वायर स्क्रैप का रेट 205 रुपए है, एल्युमिनियम पुर्जे कीमतें 154 रुपए है, जिंक हिंदुस्तान का रेट बाजारों में 297 रुपए चल रहा है, लेड की कीमतें 176 रुपए है, लाइबिटी का रेट 185 रुपए है, बैटरी स्क्रैप की कीमतें दिल्ली मटर बाजार में 92/110 रुपए आप देख कर चल सकते हैं, निकल का रेट 1,820 रुपए चल रहा है, टिन की कीमतें, टिन आगे कीमतें। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। आगे कीमतें 1,930 रुपए रही है, ब्रास फीडर का रेट 470 रुपए रहा है, एसएस बर्तन स्क्रैप की कीमतें बाजारों में 70 रुपए देखी गई हैं। इसके अलावा मुंबई के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए, मुंबई में कॉपर केबल स्क्रैप की कीमतें 640 रुपए रही हैं, कॉपर आर्मेचर का रेट 631 रुपए देखा गया है, ब्रास स्क्रैप की कीमतें 478 रुपए रही हैं, एल्युमिनियम स्क्रैप का रेट 157 रुपए देखा गया है। इंगट के बारे में अगर जान लेते हैं तो इंगट में जिंक इंगट का रेट बाजारों में आप 292 रुपए देखा जा सकते हैं, लेड इंगट की कीमतें 190 रुपए देखी गई हैं, टिन इंगट का रेट 1,888 रुपए है, निकल कैथोड की कीमतें 1,793 रुपए मुंबई के बाजार में देखी गई है। इसके अलावा ट्रेडिंग रेंज के बारे में अगर बात करी जाए तो ट्रेडिंग रेंज में बाजारों में जो जबरदस्त तरह की गिरावट आई है उसको देखते हुए हमारी सलाह आपके लिए यही है कि बाजारों में आप इस गिरावट को देखते हुए सतर्क जरूर रहिए, इस टाइम पर आप स्टेबिलिटी आने का इंतजार कीजिए। अब ट्रेडिंग रेंज जान लेते हैं तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 663 रुपए है, 675 रुपए रेजिस्टेंस लेवल कॉपर में चल रहा है, लेड में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 174 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 176 रुपए देखा गया है, जिंक में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 296 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 306 रहा है। निकल के बारे में अगर बात करते हैं, एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 1,800 रुपए निकल में है, रेजिस्टेंस लेवल 1,850 रुपए निकल में देखा गया है। तो बाजारों में रिसेशन की हालांकि खबरें नहीं है, रिसेशन का कोई खतरे खबर नहीं आ रही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से कल के दिन बाजारों में एक पैनिक का माहौल देखा गया और बाजारों में जो बेस मेटल में रिकवरी देखी गई थी कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम में इन सभी में ऊपरी स्तर से गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है और आने वाले समय में आपको हल्की गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। जब तक इस तरह की खबरें बाजारों में रहेंगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की, तब तक आपको हल्की गिरावट आने वाले समय में और भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल के लिए निगेटिव है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए।
मिलते हैं आप अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।